प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने हरदा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं स्थानीय रहवासियों से बात की। आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश के हरदा शहर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में आग की वजह से करीब 11 मौत और 200 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में फैक्ट्री के आसपास के कई घरों और मकानों में आग लगने की खबर है। गंभीर घायलों को इंदौर और भोपाल के अस्पतालों में रेफर किया गया है। कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे हैं मोबाइल आप भी उन लोगों से बात की मैंने, जो घायल हैं, उनका प्रत्येक दर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100-150-200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे, और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे STSC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जहाँ 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे 400 होंगे, तब भी एक बेसमेंट था नीचे, बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर, जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का स्पष्ट है। जाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी, आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जब JCP चल रही है। JCPOं के चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता, और फिर ना फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, ना कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था, सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए, क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था, यहाँ रह नहीं सकता था, यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मध्य में समाप्त हो गई है, तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। मैं सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है? सवाल है, कितने लोग नीचे दबे हुए, इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आग का या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है, ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में, गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक, हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है, ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है? शेम, शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत है उनको 25,000 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करे, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा और उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है
उसके परिवार जनों को एक एक करोड़ रुपए की व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां दो दो मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करने आती थी तो साथ लाती थी, कितने सुराह हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, तीन तीन मंजिल दो दो मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। इससे पहले जब इस तरह के विस्फोट हुए थे तो मुख्यमंत्री तत्कालीन ने कैसी बड़ी बड़ी बातें की थी, हम ध्यान रखेंगे, जो लाइसेंस देने की गतिविधि और टाइट करेंगे, नियम बदलेंगे, हमने जो दोषी है उनको फांसी की सजा देंगे, कैसे कैसे बयान, और फिर लोग मर गए। ये ना वही सरकार थी जब वो लोग 80 मरे थे, हताहत हुए थे, और अब फिर ये लोग सैकड़ों मरे हैं। तो सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं हैं, ये सरकार ने हत्याएं, सरकार की लापरवाही से हत्याएं हुई है। एक मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं रह सकता सरकार का, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही तो कुछ नहीं हो सकती है। एसआईटी का गठन होना चाहिए जल्दी से, जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उस पर तो 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उनपे भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो, उज्जैन 5 हफ्ते में जाना चाहते हो, लोग मर रहे हैं वो आना नहीं चाहते, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। मोहन भैया कृपा करो, मुख्यमंत्री जी हरदा आओ, और जल्दी से मरोहों की लाश, जो लाशें हैं वो ढूंढवा के परिजनों को दो, और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में आप सरकार के साथ। मिसिंग के दो मामले ही आए हैं सर, प्रशासन का कहना है कि मिसिंग के कोई मामले आए हैं। सारे सारी 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 बातें, सारी बातें अखबार में, मीडिया में है, आप लोगों के संज्ञान में है। एक व्यक्ति के दो लोग मरे 2018 में, जब मुकदमा हुआ 10 की सजा हुई, फिर 20 में 3 लोग मरे, फिर इसी फैक्ट्री में, फिर इन पे सामने क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, फिर 22 में 3 लोग मरे इसी फैक्ट्री में, आज तक क्या हुआ पता नहीं चला, और अब कितने लोग मरे सैकड़ों की तादाद में है, हजारों की दो संख्या में है, 90 है, 100 है, 50 है, 40 है, क्या है पता ही नहीं चल रहा जी। तो अल्टीमेटली ये सरकारी हत्याएं नहीं है तो क्या है, मिसिंग की मिसिंग की क्या फैक्ट्री के पास तमाम कितनी मौतें हुई है, मौत के आंकड़ों को, आप इतने पत्रकार, इतने मीडिया, इतने कैमरे हैं, मैं आपसे सवाल है, क्या मौतों को छुपाया जा रहा है कि नहीं छुपाया जा रहा है? ऐसे जेसीपी चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा, और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के, बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो नेचुरल है लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास, सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है, वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे देना, सेकेंड है ये आएगी, पर आज जरूरत है जो लाशें हो परिजनों को दें और प्रभावित परिवारों के सरकार सहायता करे, विधानसभा चल रही है क्या, सही तरीके से न्याय करे, छुपाए नहीं, अपराध को छुपाए नहीं। विधानसभा चल रही है, अब क्या कार्रवाई करेंगे, किस विधानसभा में हमारे विधायक इस मसले को लेके सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। जो पटवारी मानपुरा जाकर मृतकों के परिवार वालों से मिले, ब्लास्ट हादसे को लेकर पटवारी ने सरकार और प्रशासन पर कई सवाल भी उठाए। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताई, तो वहीं मलबे में सैकड़ों मजदूरों के दबे होने का दावा भी किया। पटवारी ने कहा कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मैंने वहां कलेक्टर से चर्चा करनी चाही तो उन्होंने मुझे पहले फैक्ट्री के भीतर भिजवाया, जब मैं बाहर निकला तो कलेक्टर और SP वहां से गायब हो गए। इतने बड़े हादसे होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन से कलेक्टर SP का गायब हो जाना अपने आप में सरकार की उदासीनता को जगजाहिर करता है।
इतना ही नहीं, पटवारी ने शवों को मिट्टी में मिलाने की बात कही। पटवारी बोले, ढाई एकड़ जमीन में बनी दो मंजिला इमारत में जब विस्फोट हुआ तो उसने पूरी इमारत को दबा दिया। विस्फोट इतना भयंकर था कि लोहा तक पिघल गया तो इंसानों का क्या हाल हुआ, लोहे के सामने इंसान क्या चीज है। आगे कहा कि रेस्क्यू चल रहा है, देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन अर्थवर्क का काम कर रहा है। शवों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मैंने घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है, उनके हिसाब से 100 से ज्यादा लोग अभी दबे हुए हैं। पटवारी ने हरदा में मीडिया से कहा कि सरकार इस हादसे की जांच के लिए सेट गठित करे, जो लोग मिसिंग है उनकी संख्या बताएं, उनको किस कैटेगरी में डालेंगे, मृतकों के परिजन को कम से कम 1 से 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, साथ ही परिवार में 1 से 1 सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए, जो लोग घायल हुए हैं उनको 10 से 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, ये पैसे ईमानदारी से मिलना चाहिए, जिन लोगों ने इस अवैध फैक्ट्री चलाने में मदद की है उन संबंधित कर्मचारियों पर 302 का मुकदमा चले, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से क्षमा मांगे, सिर्फ अकेले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करें, मंत्रियों पर भी गाज गिरे। जीतू पटवारी ने कहा कि हमने प्रदेश में भू माफिया, रेत माफिया सुना था, लेकिन भाजपा के राज्य में बारूद माफिया भी पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपके हुए बैठे हैं, उनको घटना वाले दिन ही मौके पर आकर परेशान लोगों से मिलना था। जीतू पटवारी ने रेस्क्यू अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह यहां ताबड़तोड़ पोकलेन मशीन जमीन खोद रही है उससे लगता है कि सरकार लाशों को निकालना नहीं उन्हें दफनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है और फोरेंसिक का एक भी अधिकारी नहीं है।